अपने स्कूल फ्रेंड्स का याद आता ही होगा, वो भी क्या समय हुआ करता था जब आप लोग स्कूल में एक साथ खेला करते थे, एंजॉय किया करते थे, वो भी एक गोल्डन एज था। ये ज़्यादातर वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद सब फ्रेंड लोग अलग हो जाते हैं स्कूल फ्रेंड लोग। तो आज हम लोग उन्हीं स्कूल फ्रेंड्स का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे एक जावा में डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है मैप। मैप क्या होता है? मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक की रहता है और उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू सेट किया जाता है। यहाँ पर मैप बनाने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर आ चुका हूँ java.tutorial.char, मतलब सारे क्लासेस को मैं लेकर आ चुका हूँ, जितना सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर, क्लासेस इंटरफेसेस जो भी प्रेजेंट है मैं यहाँ पर इस पैकेज के अंदर से लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए मैप लिखना है आपको। मैप लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी डेटा टाइप का क्लास मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो की हो वो हो इंटीजर में, तो आप इंटीजर मेंशन करेंगे, कैरेक्टर में तो कैरेक्टर मेंशन करेंगे, आप स्ट्रिंग चाहते हैं तो स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो की होगा उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, वो आपका होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो आपका वैल्यू है उसका डेटा टाइप यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीजर। आप यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं, कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप हो उसका क्लास आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह से देना, और यहाँ पर लिखना है न्यू हैश मैप, और कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर मैप बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैप में हम लोग किस तरह से की डाल सकते हैं और उसके रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो आपके जो दोस्त थे, मैं तो आप लोगों के फ्रेंड्स के नाम नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर डालूंगा, और उनका जो रोल नंबर हुआ करता था क्लासेस में तो वही मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये नाम है और ये है रोल नंबर। तो यानी कि यहाँ पर की कौन सा है, ये नाम, और यहाँ पर ये क्या है, वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m.put। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक की के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू सेट कर रहा हूँ। कैसे, मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, और उसके बाद मैं यहाँ पर put लिखूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम लिखा है आयुष, उसके रिस्पेक्टिव मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर लिखा है जो कि यहाँ पर उसका रोल नंबर हुआ करता था यहाँ पर 56 आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है। और यहाँ पर m.put यहाँ पर एक पीयूष लिखा है मैंने, और उसका रोल नंबर आई थिंक 27 हुआ करता था। तो मैंने यहाँ पर किया क्या कि आयुष एक की है और उसका वैल्यू 56 है, और यहाँ पर पीयूष एक की है और उसका वैल्यू 27 है, और एक मेरा दोस्त हुआ करता था आर्यन जिसका क्या है कि रोल नंबर आई थिंक 28 हुआ करता था। पीयूष के बाद था या पीयूष के पहले था मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 27 28 लिख दिया है, ये पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था डोरीमोन जो आज भी है, और मैं उसका रोल नंबर 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज़ को पुट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, फिर पुट और नाम लिखना है, उसके बाद आपका जो वैल्यू है ना वो नाम लिखना है, फिर वैल्यू नाम लिखना है, फिर वैल्यू। यहाँ पर अगर इंटीजर होता तो यहाँ पर 1 होता, फिर उसके रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर डेटा टाइप होता, मान लीजिए इंटीजर ही होता तो 1.56 उस तरह से होता। तो आपका यहाँ पर डेटा टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ करें की के लिए और वैल्यू के लिए। और यहाँ पर मैं जैसे ही प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये सब कुछ देखने को मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोगों को डोरेमोन देखने को मिल रहा है, आर्यन देखने को मिल रहा है, आयुष देखने को मिल रहा है, पीयूष देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग का एक मैप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर मुझे कोई एक की के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू को लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर m.get। मैं क्या लिख रहा हूँ, m.get, और यहाँ पर की को मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे डोरीमोन के रिस्पेक्ट में जो आपका वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा m. जो वेरिएबल का नाम है वो, उसके बाद यहाँ पर जो आपका की का नाम है वो। तो यहाँ पर देखिए 1 हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोग अगर कोई पहले से की वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि की प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू है वो डाला हुआ है, और बाद में आप डालते हैं तो वो क्या होगा कि वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आयुष का रोल नंबर क्या होता था, 56। अब यहाँ पर मैं आयुष के रिस्पेक्ट में 10 कर दूंगा, तो इसका जो वैल्यू है, जो आयुष के रिस्पेक्ट में जो रोल नंबर होने वाला है, वो चेंज होकर के 10 हो जाएगा। तो वापस से हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है मैंने, तो कहाँ गया, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर आयुष 10 हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में, देखिए यहाँ पर ये आयुष 10 हो चुका है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका जो वैल्यू है की के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये की पहले से प्रेजेंट है तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाएगा, और अगर ये वाला जो की है, ये पीयूष वाला जो की है, ये नया है,
तभी उसके अंदर कोई वैल्यू जाने वाला है, ठीक है। तो एम डॉट पुट इफ एबसेंट यहाँ पर एक मेथड का नाम है, उसके बाद आपको की मेंशन करना और यहाँ पर आपको वैल्यू मेंशन कर देना है। अगर यहाँ पर पीयूष पहले से प्रेजेंट है तो 10 नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो पीयूष का जो पहले वैल्यू था कितना 27 था, वही रहने वाला है। लेकिन अगर पहले से प्रेजेंट नहीं हो तो एक नया क्रिएट होगा और उसके अंदर वैल्यू 10 चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पीयूष का जो वैल्यू वो यहाँ पर 27 ही है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करवाए थे एम को। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर एम डॉट कंटेंस की, यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि जितना भी हमारा की है आयुष पीयूष आर्यन डोरेमोन, तो उसमें हम लोग चेक करें कि क्या ये आर्यन वाला की प्रेजेंट भी है या फिर नहीं। तो ये हम लोग बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। तो आर्यन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस से चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रू हम लोग को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर m डॉट कंटेंस वैल्यू 56, अब हम लोग चेक करेंगे कि जितना भी यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो सेम हो सकता है, आपका यहाँ पर वैल्यू है वो सेम हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए 56 यहाँ भी डाल दिया डोरेमोन में 56, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये क्या चेक करेगा कि जितना भी वैल्यूज प्रेजेंट है इस मैप में उसके अंदर क्या कोई 56 है, तो वो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर 56 प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग खैर ओवरराइट कर चुके, तो यहाँ पर फॉल्स देखने को मिलना चाहिए क्योंकि हमने आयुष में क्या था यहाँ पर 56 था, तो हमने उसको ओवरराइट करके 10 कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम लोग 56 को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या 56 प्रेजेंट है, तो 56 वाला तो ओवरराइट हो गया, 10 हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका फॉल्स दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम डॉट रिमूव वाला एक मेथड है। एम डॉट रिमूव क्या करेगा, एम डॉट रिमूव के अंदर आप जो भी की पास करेंगे उसका जो की भी हट जाएगा और वो वैल्यू भी हट जाएगा। यानी कि हम लोग जब इसको वापस से प्रिंट करेंगे, यहाँ पर एम को वापस से प्रिंट करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर वो नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा, डोरेमोन वाला जो की वैल्यू पेयर प्रेजेंट था, तो वो नहीं देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या जो हम लोग का मैप है वो एम्प्टी है, क्या हम लोग का मैप एम्प्टी है, तो यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है, तो हम लोग क्या देखने को मिलना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स हम लोग को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एम डॉट की सेट। की सेट क्या करेगा कि जितना भी की प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग डोरेमोन को रिमूव कर चुके हैं, तो हम लोग आयुष पीयूष आर्यन ये तीन की हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल देखने को मिल रहा है आर्यन आयुष पीयूष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एम डॉट वैल्यूज क्या करेगा कि उस सबका जितना जितना वैल्यू है उसका एक यहाँ पर कुछ इस तरह से रिटर्न कर देगा। यहाँ पर 28 10 27 यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है। अब आप लोग चाहते हैं कि आइट्रेट करें इसमें, आपका जो मैप है उसके अंदर आप आइट्रेट करें, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा मैप डॉट एंट्री, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा जो आपका यहाँ पर की का डेटा टाइप है, और उसके बाद यहाँ पर आपका वैल्यू का जो डेटा टाइप है, और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा। उसके बाद एम डॉट एंट्री सेट कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये फॉर ईच लूप चले जा रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जो की का नाम है, मतलब जो की है वो लिख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग रोल नंबर यहाँ पर कैसे की को लेकर आ रहे हैं, एंट्री डॉट गेट की हम लोग को मिल जाएगा, और एंट्री डॉट गेट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेम इज इक्वल्स टू आर्यन रोल 28, नेम इज इक्वल्स टू आयुष रोल 10, नेम इज इक्वल्स टू पीयूष रोल 27, कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर हैश मैप का हमने इस्तेमाल किया है, अब अगर हम लोग यहाँ पर ट्री मैप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो की के रेस्पेक्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएगा। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं ट्री के हिसाब से, इसको हम लोग ट्री कर देते हैं और इसको हम लोग वापस से सेव करेंगे और वापस से रन भी कर देंगे, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो की था वो अरेंज हो गया, कहाँ गया ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोगों को यहाँ पर आना है इस जावा वाले प्लेलिस्ट में, यहाँ पर आपको वीडियोस को एक्सेस करना है और आप बहुत ही जल्दी जावा में कोड करना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।